और इसके बाद इसी समय हम लोग जो हमारा बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना में गीत है हम सोमा उसको हम लोग गाते हुए आएंगे और उसके बाद हम लोग के अंदर कथा है कि हम इस तरह के पर्वों में अपने ईश्वर को याद करते हैं और हम बहुत समृद्धशाली कि भारतवर्ष में कई धर्म हैं कई मजहब हैं और सबों का अपनी आस्था है अपना अपनी भक्ति है हमारे पास धर्म ग्रंथ की कमी नहीं है और इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों से कुछ हम ज्योति से संबंधित प्रेरणादायक शब्दों को वचनों को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग का संदेश का क्रम होगा और अपने हम लोग एक अंतिम गीत गाएंगे और इसी के बाद तो बिना देरी किए हुए हम लोग अभी दीप प्रज्वलन खलीफ को आग्रह करते हैं वे इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे बीच में हमारे मिशनरी पुरोहित फादर भी आएंगे वे भी हम भारतवर्ष के हो चुके हैं इसी तरह हम लोग याद करेंगे आरसी चाकू भी हमारे समाज कार्यकर्ता के रूप में बिरबल रोजली आएंगे रोमी क्योंकि काफ़ी दीप है और मैं याद करता हूँ अगर चेल्स को क्योंकि वो मेरे सहायक के रूप में हैं वो भी आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे और हमारी माँ जो सामने दिखाई दे रही है वो भी आएंगे हाँ हम लोग भी आएंगे हम लोग एक साथ दीप जलाएंगे जलाते हुए उस प्रसिद्ध प्रार्थना में गीत Amen.
Thank you.
और इसीलिए अभी हम छा हरमून का जो हमारा ज्योति के संबंध में जो सुंदर और प्रेरणादायक शब्द है उसको सुनेंगे। इसलिए जो भी छा हमारे विभिन्न धर्मों के जो मुख्य विचार हैं उनके पाठकों को मैं सामने आमंत्रित करता हूँ। भगवद गीता अहमेव ज्योति, मैं ही ज्योति हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। कुरान सुरा नंबर 24 और 25, नूर हूँ अल्लाह अर्थात अल्लाह प्रकाश है। सुरा अल-मुआरिज 70:23, अल्लाह की ज्योति से रोशनी प्राप्त करो। जैन धर्म के अनुसार जैन तंत्र ज्योति परम ब्रह्म, ज्योति परम ब्रह्म है। वटवाग सूत्र ज्योतिमय तप ज्ञान की ज्योति ही सच्चा तप है। बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिचार्य वर्धन ज्ञान ज्योति श्रेष्ठम, ज्ञान की ज्योति सबसे श्रेष्ठ है। लंका वातर सूत्र ज्योति स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप ज्योति है। सिख धर्म के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ज्योति प्रकाश, गुरु ज्योति का प्रकाश है। ज्योति ज्योति मिलाए, ज्योति से ज्योति मिलाए, यानी परमात्मा की ज्योति से जुड़े रहो। पवित्र बाइबल के अनुसार योहान अध्याय 8 पद संख्या 12, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। एफेसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 9 से, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई धार्मिकता और सच्चाई उत्पन्न होती है। हम हमारे पवित्र संक्रांतों और हमारे धर्म अगुवाओं के जो भी विश्वास और आध्यात्मिकता था और है उसी से हमने सुना है, और ये बहुत ही उच्च विचार हैं, समृद्धशाली भावनाएं हैं और कर्म भी हैं। अब इन्हीं पवित्र ग्रंथों पर आधारित हमारे बहुत सारे हमारे बीच में महानुभाव उपस्थित हैं। मैं अब उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे दीपावली के संबंध में और हमारे जीवन के संदर्भ में हमें थोड़े शब्दों में अपना संदेश दें। मैं शुरू करता हूँ श्री सर्वचंद जैन से। हम हमारे पवित्र संक्रांतों और हमारे धर्म अगुवाओं के जो भी विश्वास और आध्यात्मिकता था और है उसी से हमने सुना है, और ये बहुत ही उच्च विचार हैं, समृद्धशाली भावनाएं हैं और कर्म भी हैं। अब इन्हीं पवित्र ग्रंथों पर आधारित हमारे बहुत सारे हमारे बीच में महानुभाव उपस्थित हैं। मैं अब उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे दीपावली के संबंध में और हमारे जीवन के संदर्भ में हमें थोड़े शब्दों में अपना संदेश दें। मैं शुरू करता हूँ श्री सर्वचंद जैन से। उपस्थित बहनों
इसके लिए तो मैं सबसे पहले शब्द आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी पहल पर यह हुआ है। बीच में मैं मैंने उनसे संपर्क भी किया था और हमने उनको कहा कि हम लोगों का कार्यक्रम जो है इसकी बहुत आवश्यकता है, इसकी महती आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों को इस समिति को जिंदा रखना चाहिए और एक संदेश सबों के बीच प्रसिद्ध करते रहना चाहिए। मुझे हर्ष है कि आप बहुत शौक इंटरव्यू सब चाहते हैं हम लोग सुनना थी, उसके बावजूद कितने लोग जमा हुए हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और एक बात और भी मैंने उनको कहा कि आज दीपावली का त्यौहार तो लोग मनाते रहे हम सोमान जोड़े कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तो परंपरा रही है कि दम को हटाओ या अंधकार को दूर करो और ज्योति को फैलाओ। अमेरिका के सभी मधुमों का यही सार है, क्योंकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है और अज्ञानी किसी भी तरह का कर्म कर सकता है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्योति नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो अधिकार से दूर हो गया है, वो अपना हित और दूसरे का हित दोनों देख करके संसार में आगे बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि सभी मतलब पहले शायद कि जियो और जीने दो, जिस तरह तुमको अपने प्राण प्यारे हैं उस तरह सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, छोटे छोटे कीट पतंग हैं, जितने भी प्राण हैं, पौधे हैं, फूल हैं, उनमें भी प्राण है, सबों को रक्षा करो। जियो और खुद जीने उनको क्यों कि बातें से सभी घबराते हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मरने से नहीं घबराता, सबों को प्राण प्यारे हैं, सभी जीना चाहते हैं और सभी सुख से जीना चाहते हैं, तो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, परस्पर हो जीवन हम लोग एक दूसरे के सहयोग से संसार में जीवित हैं, बिना सहयोग में हम भी जीवित नहीं रह सकते, तो ये सहयोग की भावना हमें रहनी चाहिए। यही हमारा सभी धर्मों का समता बड़ी सार है। और एक बात और मैंने पूछा था आपको, एक अभी जो स्थिति है खुश, जिस तरीके से इसराइल और गाजा और ईरान और इधर पर यूक्रेन और इधर पर रूस साल दो साल गुजर साल एनिवर्सरी मना रहे युद्ध की, इतनी खतरनाक स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, और ये ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय विश्व युद्ध दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है। इसी के क्षण ये लड़ाई, ये संग्राम, ये युद्ध विकराल रूप धारण कर सकता है और ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। मैं समझता हूँ इस बात को हम सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और पुराने समय की टेक्नोलॉजी में जितनी आसमान जा पाए, पहले तो युद्ध है जो मैदानों में होते थे, तीर तलवार और भाला के लोग बिगड़ लेते थे और फैसला कर लेते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब तो जमाना यह है कि हम उदाहरण है कि जापान पर एक एटम बम गिराया गया था, उसका प्रतिफल क्या हुआ, आज तक जापान में अपन बच्चे पैदा हुए हैं, आज भी उसका असर है, आज भी लोग उससे व्यथित है, दुखित है। और आज की टेक्नोलॉजी में जो सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है, ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे युद्ध विमान, ऐसे ऐसे ड्रोन जो वे आगे हैं दुनिया में, किसी के बटन को भी पागल अगर मेरे शासक बैठ गया तो सिर्फ उसको एक बटन दबा नहीं पड़ेगा और जो दुनिया को क्षण भर में खराब कर सकता है। इस स्थिति में अगर हम सभी धर्मानंद जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं उन सब बातों और आगे वाले खतरे को देख रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज होता है, हम वहाँ जा तो नहीं सकते, इसराइल हम नहीं जा सकते, गाजा नहीं जा सकते, ईरान नहीं जा सकते, लेकिन हम कम से कम अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने गॉड उनसे कुछ प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर उनको सदबुद्धि दे, उनको सम्मति दे
उनको अच्छी सोचने की शक्ति प्रदान करें, सबको सहमति दे भगवान। ये प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं और ये प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए कि भगवान ईश्वर और बुद्धि दे और वो इससे बाहर जाने, क्योंकि ये भक्त लोगों ने बहुत बार देख चुका है, लोगों ने लोगों को दुख गुजर चुके हैं कि अधिक खेती पर आकर ही मामला सुलझता है, युद्ध से मामला नहीं सुलझता है, आग से आग नहीं सुलझती है, आग कुछ दबाने के लिए बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। इस बात ये हमने बीच में आकर गाजर किया था, जब लोगों को संदेश देना चाहिए यहाँ से पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में, कि हम चाहते हैं कि विश्व में शांति, सद्भावना, मैत्री का भाव, सर्वधर्म समन्वय, हम खुद को आध्यात्मिकता के सरोवर में स्नान करें और देखें हम संकल्प बात को इसका क्या प्रतिफल होगा। बहुत बुरा प्रतिफल था, अब मुझे खुशी है कि दूसरे साहब ने हम लोगों की पीड़ा को समझा और यहाँ की मीटिंग को उन्होंने बुलाया, एक ये उद्देश्य रहा है। तो हमारा ये कहना था कि हम लोग भगवान से प्रेयर भी करें और आज मैं सबको आप लोगों को बधाई देता हूँ, दिवाली है, हर मसल के लोग इसको मनाते हैं, सब कुछ हम लोग तो खैर मत में हम लोग इसको मनाते हैं कि हमारे 2400 के 2400 जो तीर्थंकर के भगवान महावीर अंतिम जो तीर्थंकर थे उनको निर्माण प्राप्त हुआ था और शुभ लक्ष्य हमें दिवाली प्राप्त है, आज के दिन ही काफी में उनको निर्माण भी प्राप्त हुआ है, हमारे हिंदू भाई सब मनाते हैं, इसलिए कि आज के दिन ही 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में हर्ष में उसको लोग मनाते हैं। इसी तरह सिख लोगों के साथ ये जुड़ी हुई बात है कि वहाँ पर भी वो भी मनाते हैं कि इस दिन जो मेरे ख्याल से ग्वालियर में या हुआ था सिख समुदाय के साथ बहुत से सिख भाई रिलीज हुए थे कैद से, हाँ तो उन सुप्रक्ष में मनाते, इसलिए किसी न किसी तरीके से सभी ये जुड़ा हुआ था। तो सबों को बधाई मैं देता हूँ और मैं जरूर ये प्रार्थना करूँगा आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जैसा आप लोगों को प्रस्ताव पारित करके भेजना चाहिए, मेरी भी वे लोग यूनाइटेड नेशन की बात नहीं सुन रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि आपको बंद कीजिए, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज मैं जो पेपर में दे रहा था पेपर में लाया आपको दिखाने के लिए किस तरह ताजा थे और चारों हाथ जो है रोटी के लोगों की गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, जो उनको रोटी और खाना और कपड़ा देती थी उनकी गाड़ियों को उन्होंने बंद कर दिया है, बच्चे भी बिना रहे हैं, अजीब स्थिति है, बहुत इज्जत करते हैं अखबारों में बिल्कुल लाते हैं तो हृदय में विचलित हो जाता है, कहाँ हमें जा रहे हैं, इतना पतन हमारा होगा कि हम आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, क्या समझा रहा है अखबार के अनुसार पता नहीं जाने कितने लोग मरोगे जो मान जाए, तो ये बड़ी दिक्कत स्थिति है। हम लोग सब इस तरह से प्रार्थना करें कि भगवान उनको सहमति दे, उनको सहमति दे और वो हिंसा का मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपना कर अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो, ये हम लोग प्रति करें प्रार्थना करें, यही हम लोग प्रिय करें। धन्यवाद। दीपावली के सुंदर संदेश को आपने हमारे बीच में रखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी पर जोरदार तालियां। अब मैं उमेश प्रताप सिंह को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें दीपावली के अवसर पर संदेश दें। आज अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर जीत, सत्य की जीत की पर्व के रूप में मनाए जाने वाले दीपावली के अवसर पर इस मिलन समारोह को आयोजित करने के लिए भीषा पालन जो हम लोगों के अभिभावक स्वरूप स्वरूप चर्चित जैन जी
सिंह जी, खालिद जी, फादर जेम्स, फादर एंटोनी, बीरबल जी, सिस्टर रोशनी जी, लवली जी, और इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। निकट परिस्थितियों में जब दुनिया प्रकाश के लिए तड़प रही हो, भूख के लिए तड़प रही हो, दोस्ती के लिए तड़प रही हो, हर तरफ अंधकार और अराजकता की एक ऐसी दिशा दिखाई देती हो जहां से समाज विघटन के कगार पर अपने आप को महसूस करता हो, उस अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आनंद जो दूसरा को मेरे बहुत दिल से आज यह एक संदेश यहाँ से जा रहा है। भय उपस्थिति कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो शांति के पुजारी हैं, अमन के पैगंबर हैं, और यह बताने के लिए काफी है कि आज हजारीबाग की जमीन भले ही चंद कुछ तत्वों के कारण कभी कभी या खून से सन जाती है या भयभीत कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन आज भी आबादी की दो तिहाई संख्या आज शांति के पुजारी हैं, अमन के सिपाही हैं, और वो चाहते हैं कि हजारीबाग में अमन कायम रहे, शांति कायम रहे, और यह संदेश यहाँ से आज जा रहा है। बीच बीच में आप क्या बातचीत होते रहते हैं। अभी सबूत चंचल जी जो बोल रहे थे कि हम लोग जहां से यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के प्रवर्तक हुए, दुनिया को मानवता का संदेश दिया, दुनिया को धर्म की परिभाषा बताया, मानव सेवा का रास्ता दिखाया, आज वह धरती दुनिया की सबसे विवादित भूमि हो गई, सबसे ज्यादा अराजकता की भूमि हो गई, और लगता है कि तीसरी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, और वहां से इसकी संस्नाथ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कई देश वहां से इसका, और ये यरूशलेम की जमीन, ईरान और इसराइल की जमीन कहीं दुनिया के लिए या तीसरी विश्व युद्ध की घंटी न बजाती। और आज हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोगों की सीमाएं कितनी हैं, हम लोग अपने स्तर से इस हजारीबाग के लिए क्या कर सकते हैं, बार बार जब भी हमें अवसर भी सब देते हैं तो हम इस बात पर रोशनी डालते हैं, क्योंकि आज रोशनी का अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस रोशनी का ज्योति का यह जिक्र किया गया है कि सभी धर्मों में जितने भी धर्म हुए सभी धर्मों में अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया गया है और प्रकाश की तरफ बढ़ने का, और प्रकाश की जो अहम जो ज्योति है, चाहे वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे इस्लाम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे जैन धर्म के हो, सभी लोगों ने एक प्रकाश का रास्ता दिखाया और बताया कि अंतरात्मा में जो पवित्रता आती है, और जब ईश्वर का हम आराधना करते हैं और ईश्वर की जो प्रकाश है हम उसको अगर आत्मसात करते हैं, उनके उपदेशों का आत्मसात करते हैं, तभी दुनिया में शांति और कायम हो सकती है। तो आज हम लोग प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, और प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे समाज के जीवन में कितना अंधकार से वह निकाल सकता है। वह प्रकाश जब दुनिया को अंधकार के कोहरे से अगर निकाल सकता है, तो फिर हमारे बीच में हमारा हजारीबाग क्यों नहीं निकल सकता है। आज हम सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, अखबार के किसी कोने में हमने देखा कि एक बेटा ने मां को मार दिया और उसके मांस को भोजन के रूप में उपयोग किया, और फिर वह भयभीत होकर जंगल की तरफ भाग गया, 8 दिन जंगल में रहा, और फिर जंगल से
उसको ऐसा लगा कि हम पुलिस से नहीं बचेंगे। फिर वहाँ एक आदमी के रिश्तेदार के आ गया और फिर वहाँ से वह पुलिस के गिरफ्तार आ गया। हम जिस समय से खबर पड़े उस समय से बहुत विचलित हुए। वास्तव में हम मानवता, जिस मानववाद का परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, जिस मानव समाज से हम आते हैं, मानव समाज पशुता की पराकाष्ठा को पार कर पशुता भी अगर एक गाय एक बैल अगर रहता है एक कमरे में तो उसके साथ दुराचार नहीं करता है। कुत्ता को भी देखिए तो अगर उसको पालते हैं उसको अच्छा से रखते हैं तो वह कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, एक संदेश देता है। हर जानवर यह संदेश देता है कि उसमें भी यह सोच है कि अपने मालिक के प्रति, अपने सेवक के प्रति, अपने साथी के प्रति कभी दुराचार हत्या का हमला नहीं करेगा। लेकिन मानव आज ऐसा हो गया है कि जिस गर्व से वह पैदा किया लिया जो माँ कितना पीड़ा सही उस बच्चे को जन्म देने के लिए, वह बेटा कैसा दुराचारी पापी निकल गया, उसके मांस को सेवन कर लिया। हम लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, हम लोग समाज के चिंतक हैं, हम लोग समाज के एक दिशा देने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों की यह दायित्व है कि हमारे बीच के आसपास जो अंधकार रूपी अराजकता है, अंधकार रूपी कुरीति, अंधकार रूपी पाप की जो गतिविधियां हैं, हम उसको व्यक्तिगत तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके लिए कितना दूर कर सकते हैं और उसको सामूहिक परिवर्तन में लेकर के हम इसको व्यापक तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पर भी हमें सोचना होगा और उसके मतलब चलना होगा। हजारीबाग में भी बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो झंझोर होती है और ऐसा लगता है कि हम लोग अगर शांति के पुजारी हैं, अमन के पैगंबर हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है हम लोग के द्वारा जो एक फोरम है उस फोरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो कर सकते हैं, अगर हम लोग पैदल मार्च कर सकते हैं, हम लोग शहर में एक बार जो है सभी जितने वार्ड हैं सभी वार्ड के लोगों के बीच में जा करके उन्हें अपने अपनी भूमिका अपना संदेश दे सकते हैं। प्रशासन पर भी हम लोग जो है हमारी जो गतिविधियां हैं उससे अवगत करा करके प्रशासन को कैसे उसको पार्टिसिपेट करके हम लोग उसको व्यापक तरीके से उसको में ला सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मीडिया की कैसी सहभागिता हो सकती है, मीडिया को हम किस रूप में इसको शामिल करें ताकि हमारी गतिविधियों को, अब आज हम यहाँ बैठे हैं कल की तारीख में मीडिया में खबरें नहीं आई कि आप क्या कर रहे हैं, तो रांची में बैठे हुए लोग और दूसरे स्टेट में बैठे हुए लोग कैसे जानेंगे आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके संदेश को रांची आप साफ करना चाह रहा हो सकता है आपके संदेश को बिहार आप साफ करना चाह रहा हो सकता है आपके संदेश दुनिया के लिए देश के लिए प्रेरणादायी बन सकता हो, तो इसमें मीडिया के लिए सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। हमको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम को इसको एक चलन रूप देना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम किए हैं, इस परिधि से निकल करके हम लोग शहर के किसी कोने में जाकर के हम लोग इस तरह के संदेश दे लोगों को अधिक से लोगों से जोड़े एक सामूहिक परिधि में ला करके व्यापक इस कार्यक्रम की कार्यकर्ता बनाई है। और हम लोग जैसे लोग तो जब भी आप याद करेंगे स्मरण करेंगे मैं आपके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा और इस तरीके से रचनात्मक कार्यों को सृजनात्मक कार्यों को आध्यात्मिक कार्यों को जब तक समाज तभी समाज आकर सुदृढ़ होगा जब तक आध्यात्मिक तौर पर हम मजबूत नहीं होंगे और आध्यात्मिक परिभाषा स्कूलों के पाठ्यक्रम में ये शामिल होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षा तक जाते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षा की एक पाठ्यक्रम जब तक नहीं होगा तब तक बेहतर चरित्र का निर्माण नहीं होगा और बेहतर चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो बेहतर समाज का निर्माण नहीं होगा। धन्यवाद। उमेश जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दीपावली का संदेश हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। आपने विश्व शांति और मानवता और अन्य बिंदुओं को हम सबों के सामने रखा और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें संदेश दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे एमडी खलील से आग्रह करता हूँ कि वे यहाँ आकर यहाँ उपस्थित सारे लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर शांति
अंधकार और प्रकाश के लिए अपना समय दिया। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वधर्म समन्वय समिति के जो संचालक हैं आनंद ज्योति सर हैं, स्वरूप चंद्र जी आयुर्वेद से हैं और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो एक प्रयास है, हमारा प्रयास बहुत ही छोटा है, लेकिन अभी हमने देखा कि सिर्फ एक मोमबत्ती की जो थी वो इतने दिए और इतने को जला के इस हॉल को प्रकाशित कर सकता है। तो हम लोगों को भी यह मानकर चलना होगा और अपने आप को उस मोमबत्ती की है कि अगर इसकी लौ को लेकर हम एक आदमी भी चलेंगे तो वो प्रकाश होगा। अंधकार है और दुनिया में जितने भी धर्म हुए के अनुयायी हुए मानने वाले से लेके उनके जो हैं उनका सबका एक ही प्रयास है कि मानवता जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर मानवता जिंदा नहीं रहा तो हम और आपकी तुलना जानवर से भी बदतर हो गई। अभी उमेश जी ने दर्शनार्थ कहलाने वाला था कि हम कहाँ पहुँचे हैं साहब, मुर्गी बकरी खाते खाते हम अपने आप को कहाँ पहुँच गए हैं, नवरत की किस प्रकाष्ठा में पहुँच गए हैं कि एक बेटा अपनी माँ को मारने के बाद उसके मांस खाने के बाद, लेकिन एक चीज है कि अध्यात्म की शक्ति भी है कि उसको लगा के नहीं जो हम गलत किए हैं उसकी बात की। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ जितने भी हैं संख्या भले हम लोगों का कम है, लेकिन इस अंधकार में एक दीपक हम लोग जला रहे हैं और आगे भी जलाते रहेंगे। और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी का स्वास्थ्य कामना करता हूँ, खास करके विशेष साहब का, कि ये जो बागडोर संभाले हुए हैं इनके नाव में हम लोग बैठकर शांति की ओर चलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। खलील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव कहें तो शायद ये प्रोग्राम खतरा रहेगा। और कृतज्ञता प्रकट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और हर एक इंसान में ये कृतज्ञता की भावना भरी है। आज के शुभ दिन को पहल करने के लिए सर्वप्रथम हमारे निशक स्वामी को तहे से धन्यवाद देते हैं। आज सुबह में हम ये जो यहाँ पे जो स्टाफ हैं और हम काम करते हैं, सुबह में जब काम करने की शुरुआत करते हैं उससे पहले हम एक जगह जमा होकर के हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और अचानक ऋषभ स्वामी आके कहते हैं कि आज हम ये दिवाली का सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। और ये खुशी की बात कि ये मौका जरूरी था कि हम एक साथ आए, सभी मजहब के लोग एक साथ आए और एक हम खुशी एक दूसरे के साथ बांटें और शांति का पैगाम हम दूसरों के तक पहुँचाएँ। और इसलिए ऋषभ स्वामी जी आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं याद करता हूँ एक दिन श्री स्वरूप चंद्र जी आए कालेश्वरी की और इसी मुद्दे को लेकर के कि बहुत दिन हो गया हम जमा नहीं हो पाए, एक साथ आ नहीं पाए। और ऐसे हुआ कि ऋषभ स्वामी मुझको बोले आप थोड़ा गाड़ी से फोर व्हीलर से वहाँ तक जैन पेट्रोल पंप के उसमें पहुँचा दीजिए, कचहरी तक छोड़ दीजिए। बोलिए हम लोग बढ़ रहे थे ऐसे ही जा रहे थे और सर ने बताया कि इनकी शुरुआत कैसे हुई कि हम एक साथ कैसे आना शुरू हुए और इन्होंने बिशप चार्ल्स को याद किया और उन्होंने बोला कि वो बहुत भले मनुष्य थे और उनके पहल से हमने शुरुआत किया, बहुत अच्छी पहल थी। और उनके बाद अगर बुजुर्ग में अगर हम पाते हैं तो श्री स्वरूप चंद्र जी हैं। सर जी आपको इस मनोभाव लाने के लिए और इस प्रोग्राम को सही तरीके से आयोजन करने के लिए आपने जो सहयोग दिया, बिशप को जो सलाम मशवरा जो दिया उसके लिए और आज का जो आपने संदेश दिया उसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद। इन्हीं के साथ बहुत लोगों ने संदेश दिया, जैसे श्री उमेश प्रताप सिंह, मोहम्मद खलील जी,
श्री अवतार सिंह बिरबल जी, मदर आरसी ठाकुर, सिस्टर रोशनी और भाई अरविंद जी, श्री अरविंद जी, आप सबों को जो सुंदर संदेश आप लोगों ने मानव तक ने दिया इस दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में, आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। इन्हीं के साथ हमारे जितने भी स्टाफ हैं सारे लोग आज की कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे एक दूसरे का सहयोग किए हैं, मदद किए हैं, आप सबों को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। फादर अनूप जो आज का इस कार्यक्रम का संचालन किया, फादर अनूप आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। और सामूहिक रूप से एक बार फिर हम लोग ताली बजा के सबके लिए धन्यवाद। जाते जाते हम एक संकल्प लेकर जाएं, जब तक ये सांस रूपी तेल हमारे शरीर रूपी दिया में रहेगा, जब तक ये सांस रूपी तेल हमारे शरीर रूपी दिया में रहेगा, तब तक प्रेम दया क्षमा सद्भाव और भले कार्य रूपी प्रकाश दूर दूर तक संसार में फैल कर रहेगा। सबों को हैप्पी दिवाली। अच्छी तरह या दिवाली कार्यक्रम को जो अपने बीच में बहुत भी अच्छी तरह मनाए और सुंदर संदेश हमने ग्रहण किया, हमारे संदेश देने वाले सभी महानुभावों और हम सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आशा है कि ये दीप का जो लौ है इस रूप में जो हमने आज संदेश सुना है वही वास्तविक लौ है, इनको हम व्यवहारिक जीवन में जीने का प्रयत्न करें, इस लौ को हम दूसरों को भी बांटें। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार आप में से प्रत्येक जन को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमारे देश की रक्षा करे, हमारे नेताओं को सुरक्षित रखे, उनके ज्ञान रूपी ज्योति को और अधिक प्रखर बना दे और हम सभी भारतीय नागरिकों को भी अपने इस देश को और अच्छी तरह सुरक्षित रखने के लिए साथ साथ इसको और उन्नत से बनाने के लिए एक मन और हृदय से काम करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। हैप्पी दिवाली।